सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी बेहदी दर्दनाक ताजा खबर सामने आ रही है। सोती हुई महिला और उसकी बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह घर वाले जागे तो दोनों के शरीर खून से लथपथ मिले। इसकी खबर पाते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और खुद SP इस मामले की जाँच करने के लिए पहुंचे। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल घटना बिहार के बक्सर से सामने आ रही है। बिहार के बक्सर में औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, बालापुर गांव, और इसी बालापुर गांव में ये घटना घटित हुई है। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार सो रहा था और एक कमरे में 29 साल की अनीता देवी और उसकी 5 साल की बेटी सोनी सो रही थी। रात करीब 1 बजे के आसपास एक बदमाश आता है और दोनों को धारदार हथियार से काट डालता है। दोनों के सिर, गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। हालांकि परिवार के एक सदस्य को कुछ गड़बड़ी का आशंका हुई थी, वो रात में खड़ा भी हुआ था। उसे एक व्यक्ति भागता हुआ भी दिखा, लेकिन वो उनके कमरे में नहीं गया और वापिस आकर सो गया। सुबह जब परिवार खड़ा हुआ तो अनीता देवी और उसकी 5 साल की बेटी की खून से लथपथ लाश को देखकर कोहराम मच गया। दरअसल इस घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त अनीता देवी का पति वहां पर मौजूद नहीं था, वो दूध की गाड़ी चलाता है और शाम को दूध लेकर गया था। मृतक के ससुर लाला यादव ने बताया है कि रात को पूरा परिवार सो रहा था, इसी दौरान घर में घुसकर किसी ने उसकी बहू और पोती की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से सिर और चेहरे पर वार किए गए हैं। उनका बेटा बबलू यादव दूध की गाड़ी चलाता है। वो रोज की तरह गाड़ी लेकर आरा गया था और पीछे से रात को इस घटना को अंजाम किसी बदमाश ने दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश की चप्पलों को प्राप्त किया है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है, जिनके माध्यम से उस बदमाश तक पुलिस पहुंच जाएगी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही बक्सर के SP मनीष कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आरोपी की चप्पलों को बरामद किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी अलर्ट किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त उम्र कैद के आसपास सजा दिलवाएंगे। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।